कोई भी नंबर नंबर मत खेल यहाँ पे भाई, ये सब बचपना है, बच्चों की खेल है, मत कर ये सब, इतने नंबर आए उतने नंबर आए, पर इंप्रूवमेंट इज अ की ऑफ सक्सेस, नंबर नंबर में देखता ही नहीं, कितना सीख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जो गलती किया ना उसको सीख लेना बस, यहाँ पे बकैती मत करो, किसी और क्लास में जाके करना, ठीक है। 400 नंबर आए तो तेरे गलती की वजह से आए, पढ़ ले। 492 बार बार प्रीति कुमारी एक है, प्रीति शर्मा, बार बार 492 लिख के रो रही है, तेरे अगले टेस्ट में ना 420 आएंगे, क्योंकि तू असल में उसी के लायक है। अगले टेस्ट में 380 आएंगे, अगले टेस्ट में 250 आएंगे, उससे अगले टेस्ट में 150 आएंगे, उसके अगले टेस्ट में निगेटिव चली जाएगी। तू एटीट्यूड नहीं है कॉम्पिटिशन वाला, यहाँ पे नंबर लिख के रो रहे हो तू, और तू स्पैमर है असली में। साले पढ़ने वाले चुपचाप बैठ के समझ रहे हैं कंसेप्ट, यहाँ पे तू नंबर लिख के रो रहे हो, ये सीखोगे नहीं, ये टेस्ट में आएगा इसलिए नंबर कम आएगा। क्या मजाक है यार, मतलब मैं कभी कभी लगता है मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, अब बहुत हो गया। पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बहुत बच्चे रिकॉर्डेड में 90% बच्चे सिंसियर होते हैं, 99%, और इसमें सिर्फ 20% बच्चे सिंसियर होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको डेटा, आप खुलेआम चैलेंज देता हूँ, जाके देख लेना रिकॉर्डेड में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सच बोलने से, 60-70-80% सीरियस होते हैं, और लाइव में 20-30% लोग सीरियस होते हैं, 70% फर्जी जनता है जिसका कुछ नहीं होना है जीवन में, 80-70%, यहां पे सिर्फ 20% जनता ही फर्जी है। नंबर कम है तो पढ़ने पे फोकस करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स में लिख के रोऊंगा, आज कमेंट बॉक्स में लिख के रोगे कल और नंबर कम आएगा। एक कह रहा है 486 डिक्रीजेस पर 544, हाँ अगले टेस्ट में तेरे 300 आएंगे और सिलेक्शन लिख के लिए नहीं होगा,